ये बात नहीं आती सर कि आपने उसे जाने क्यों दिया। हालांकि आप चाहते तो पलटकर उसकी गाड़ी के टायर पे फायर भी कर सकते थे, क्योंकि वो आपके बहुत नजदीक था। इस तरह करने से मुझे ही नुकसान होता। इंस्पेक्टर जमाल उसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार कर लेता, और मेरा माल उसके पता कौन बताता मुझे। अच्छा, तो आपने मुझे भी फायर करने से इसीलिए रोका था? जाहिर है, मुझे उसकी लाश नहीं चाहिए। पहले मेरा माल का पता मुझे मिल जाए, उसके बाद बेशक हो जाए जहन्नम में। आज के वाकये के बाद भी सर आपको यकीन है कि आप उसको जिंदा पकड़ लेंगे? हाँ, क्योंकि वो बहादुर और बेखौफ जरूर है, लेकिन चालाक और अकलमंद नहीं। तुम देख लेना, आज वाली गलती वो फिर दोहराएगा। गलती? कैसी गलती सर? इस तरह खुलेआम आकर पुलिस को चैलेंज करना कोई अकलमंदी नहीं। वैसे भी वो उस लड़की से मोहब्बत करता है, तुम देख लेना, वो उसे मिलने के लिए जरूर आएगा। ये बात आप किस तरह कह सकते हैं सर? बेवकूफ इंसान, मोहब्बत के लिए मुंह से कहना जरूरी नहीं होता, ये तो हर तरह से जाहिर हो जाती है। नूर, मैं जाऊंगा, अंदर आके कॉफी पी लो। नहीं, फिर कभी सही। अब एक बात तो बताओ। रेड एंड व्हाइट 21st सेंचुरी काउंटडाउन। फिर कभी सही। अब एक बात तो बताओ। ये तमाम रास्ते खामोश क्यों नहीं तुम? वैसे वो कुछ सोच रही थी अली के बारे में। बहुत फिक्र है ना तुम्हें उसकी? नहीं जमाल, अली के बारे में नहीं सोच रही थी, बल्कि तुम्हारे बारे में सोच रही थी। अच्छा, हैरत हो रही है सुन के। क्या सोच रही थी? कि तुम सब मत एक ही जैसी सोच रखते हो, बदले की सोच, इंतकाम की सोच, जलन और हसद की सोच। कहना क्या चाह रही हो तुम? अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि तुम समझते हो कि अली सच बोल रहा है, कि वो बेकसूर है, कहा था ना? हाँ कहा था। फिर अगर वो तुम्हारे सामने आ जाएगा तो क्या तुम उसे गिरफ्तार नहीं करोगे? देखो नूर, जो कुछ मैंने कहा था वो मेरी जाती राय थी। कानून की नजर में तो वो मुजरिम है ना, और उसे गिरफ्तार करना मेरा फर्ज है। मेरी जाती राय की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत है जमाल, इसीलिए तो तुमने आज तक हनान का केस अपने हाथ में रखा है, क्योंकि तुम्हारी उसे जाती दुश्मनी है। इसी तरह तुम अली को गिरफ्तार करके उसको सजा दिलाना चाहते हो, क्योंकि तुम उससे भी नफरत करते हो। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो मुजरिम नहीं है तो उसे खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, उसे जरूर इंसाफ मिलेगा। क्या मैं यकीन कर लूं कि तुम उसकी मदद करोगे? हाँ, जो हो सका मैं करूंगा उसके लिए। लोगों नहीं छोड़ूंगा।
वो बुरा शख्स नाम था। उसका कब्रिस्तान से उसका ताला हो गया। असन की मौत से अनमान का क्या ताल्लुक हो सकता है? तुम सुबह सुबह यहाँ कैसी हो? ठीक, वो ऑफिस जा रही थी, सोचा तुमसे मिलती भी जाऊँ। अच्छा किया तुमने, शायद आज का दिन अच्छा गुजर जाए। वो जमाल, गिलगित से हसन भाई की अम्मी अबू का 2-3 मरतबा फोन आ चुका है। अच्छा, इसका मतलब है लाइन थ्रू हो रही है। वो बहुत परेशान थे। एक्चुअली उन्होंने आंसर मशीन पे मैसेज छोड़ा है कि मैं उनसे फौरन रब्ता करूँ। तुम बात कर लोगी उनसे? नहीं, मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ी। मैं नहीं चाहती कि ये खबर वो मुझसे सुने। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, तुम ये देखो। ये क्या है? ये मुझे अपनी जैकेट की जेब से मिला। जैकेट की जेब से? तुम्हें याद है वो कब्रिस्तान में एक बूढ़ा शख्स मुझसे टकराया था जिसे अली ने पिस्तौल से काबू कर लिया था? हाँ, वो हन्नान था। हन्नान था? लेकिन वो वहां क्या कर रहा था? यही पता लगाना है मुझे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं जमाल बात कर रहा हूँ। हाँ बेटा, मैंने पहचान लिया है। शुक्र है तुमने ही फोन कर दिया। अली और हसन कहाँ हैं? कई दिनों से उन्होंने फोन नहीं किया, हम बहुत परेशान हैं। हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था हसन के बारे में। हसन का और उसकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया, वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। टीम की फिटनेस का ख्याल रखना एक कोच की जिम्मेदारी होगी। बाबा जन, मैं आपका बदनसीब बेटा, आपको आपसे बहुत दूर बैठा याद कर रहा हूं। क्या इस वक्त आपके दिल की धड़कन भी इतनी ही तेज हो रही है? मैं आपका और मां का गुनाहगार हूं बाबा जान, कि मैं यहां होते हुए भी भाई और भाभी को बचा नहीं सका। लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि मैं उनके कातिलों से बदला जरूर लूंगा बाबा जान। तुम आज फिर जाओगे? जाना तो पड़ेगा।
क्या बात है? मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी नूर के, तुम भी मुझे। अगर तुम बेगुनाह तो पुलिस की मदद क्यों नहीं करते? पुलिस की मदद? पुलिस तो मुझे गिरफ्तार करके एक नाकर्दा जुर्म मेरे गले में डालकर मुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचाने वाली है। नहीं नूर, नहीं, मेरे पास ठोस सबूत मौजूद है कि ये कत्ल किसने किया, और उस ठोस सबूत की मदद से मैं खुद उन कातिलों तक पहुंचना चाहता हूं। तो किसने किया, और उस ठोस सबूत की मदद से मैं खुद उन कातिलों तक पहुंचना चाहता हूं। तो तुम मेरे पास क्यों आए? यही सवाल मैं खुद से कई बार कर चुका हूं कि देखो ली, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे आके मिलो या मुझे फोन करो। न जाने क्यों नूर, सिर्फ तुम्हारे लिए मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि मैं अपनी बेगुनाही के वो सारे सबूत तुम्हें दिखा दूं जो मैं किसी और को नहीं दिखा सकता। मेरा दिल क्या चाहता है जानते हो तुम? कि तुम जैसे तमाम इंतहा पसंद सो कॉल गैरतमंद बनने वालों से कोई ताल्लुक ना रखूं। नफरत है मुझे उन लोगों से जो मामूली मामूली बातों को अपनी झूठी अना का मसला बनाकर अपनों की जान लेने से भी दरेख नहीं करते। तो तुम किसी तरह भी मेरी बात पे यकीन करने को तैयार नहीं? नहीं, अगर तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हें गिरफ्तार कराने में जमाल की मदद करूंगी, मैं ये भी नहीं करना चाहती। बहुत खूब, यानी जीने के काबिल ना समझते हुए भी तुम चाहती हो कि मैं अभी जिंदा रहूं। देखो अली, मैं किसी के मौत या जिंदगी के मामले में हिस्सेदार बनना नहीं चाहती। ये बात मैंने जमाल को भी बता दी, वो तुम्हें बेगुनाह समझते हुए भी गिरफ्तार करने में मजबूर है कि उसकी ड्यूटी। ओह माय गॉड अली, वो आ रहा है। अच्छा अब तुम कोई हरकत ना करना प्लीज, यहीं बैठे रहो, मैं अभी आती हूँ। हेलो जमाल, तुम इस वक्त यहाँ? ऑफिस से आ रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूँ। ये गाड़ी में कौन बैठा? वो बॉस का भतीजा सिंगापुर से आया। इसका मतलब ये हुआ कि तुम गाइड के फ्राइज अंजाम दोगी? नहीं नहीं नहीं, वो तो रास्ते में से होटल छोड़ी थी घर जाते हुए। तुम भी चलो ना साथ, मेरा मतलब है गाड़ी में पीछे फॉलो कर लेना। नहीं अभी नहीं, इस वक्त तो मसरूफ हो, फिर कभी से। नहीं मैं तो कह रही थी। फौरन चले जाओ। लेकिन नूर, अब तो वो तो चला गया, लेकिन मैं अपनी वजह से कह रही हूँ, प्लीज। तो तुम मेरी बात नहीं सुनोगी नूर? ठीक है, खुदा हाफिज़। और शुक्रिया। घर में कौन रहेगा सर? हम यानी मैं और आप? मैं और मेरी बीवी। और मैं? फिर आप मेरा सामान यहां क्यों उठवा लाए? ये रो चाबी,
और ये एड्रेस है। अब तुम यहाँ रहोगे, यहाँ से करीब है। लेकिन सर आप मुझे अगर वहीं रहने देते, अच्छा भला ठिकाना था। बेवकूफ आदमी, हम जैसा काम करने वालों को अपने ठिकाने बदलने पड़ते हैं। लेकिन सर हमें वहां भी कोई नहीं जानता था। कोई जाने या ना जाने, हम जैसों से एक खास किस्म की बू आती है जो हमें महसूस नहीं होती। बू? कैसी बू? मुझे तो कोई बू नहीं आ रही सर। यह जुर्म की बू होती है जो मुजरिम को खुशबू की तरह लगती है और उसे महसूस नहीं होती। लेकिन लोग इस बू को सूंघते सूंघते इससे पहले कि हम तक पहुंच जाएं, हम अपने ठिकाने बदल लेते हैं। समझे? समझ तो गया सर, लेकिन बस अब तुम जाओ। और हाँ सुनो, अपना सामान लेकर जाओ। होते नहीं है शिक्षकों के शाबाश शाब तो अच्छी बच्ची है ना। अच्छे बच्चे नहीं होते, अब चाचू आ जाएंगे उनको चुप करो। शाबाश मेरे चाचू। क्यों रही है? क्या हो गया इसे? वो मुझसे आज एक गलती हो गई। मैंने सोचा इसे लिखना तो आता ही है, मैंने इससे कुछ जुमले डिक्टेट करवाए। देखो इसने बिल्कुल सही लिखे। फिर ये रोने क्यों लगी? वो फिर मैंने सिखवाया कि मेरे मम्मी पापा को जिसने मारा है मैं उसे जानती हूँ। इसने सही लिखा लेकिन फिर एकदम रोने लग गई। अच्छा मिलन, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, ठीक है? देखो मैं आ गया हूँ ना, चाचू के साथ तो गुड़िया को डरने लगता ना। मेरी जान, इस वक्त उसके साथ दहशत बैठी हुई, अभी इससे कुछ भी पूछना बेकार है।
घर में पड़े पड़े भी तो बच्ची उकतास ही गई है। चलो मैं इसे बाहर ले जाता हूँ। बाबर कहाँ है? उसे आज जल्दी सुला दिया, तुम इसे ले जाओ, ज्यादा दूर मत जाना और जल्दी वापस आ जाना। अच्छा बेटा, आपके शूज कहाँ है? रूम में? चलो जूते उठाओ के चलते हैं।